हर इंसान को अपने हिसाब से अपना साथी चुनने का अधिकार है। धर्म के हिसाब से देश नहीं चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलता है। हर इंसान जिस प्रदेश में जाके रहना चाहता है वो रह सकता है, जिसके साथ वो शादी करना चाहता है वो शादी कर सकता है, जिसको जो धर्म अपनाना है वो कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसके ऊपर कानून में प्रोविजन है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। इस तरीके की बातें करके पूरे देश के सामने जो है अपनी नाकामी छुपाने से कुछ होने वाला नहीं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि तब महाविकास अघाड़ी की सरकार है, उसमें शिवसेना काफी हिंदुत्व मानी जाती है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे भी आने की कोई संभावना है, जैसे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लिए कानून बना। ये सारी बातें वहीं आएंगी जहाँ पे उनकी काम करने की कार्यशैली में कमी आई है। महाराष्ट्र सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो सेना है वो अपनी हिंदू आइडियोलॉजी लेके चल रही है, उनको किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी सारी स्कीम लाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी निकम्मी जो बातें हैं वो छुपाने के लिए ये सारी चीजें ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में आप देखिए, अगर कोई गलत काम करता है फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कानून के हिसाब से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। ये लोगों की भावनाओं पर चलने वाली सरकार नहीं है।